हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोस्टर मास्टर विद फन के साथ। दोस्तों, बुक नाउ पे लेटर स्कीम के तहत कस्टमर पोस्ट ऑफिस में पहले आर्टिकल बुक करा सकता है और उसका बाद में भुगतान करता है। जो पोस्ट ऑफिस द्वारा पूरे महीने में कितने उस द्वारा कितने आर्टिकल बुक किए गए उसका स्टेटमेंट निकाल कर कस्टमर को भेजा जाता है। उसके बाद उस कस्टमर द्वारा अपने बीएनपीएल कोड का अमाउंट उस बैंक में जमा करा दिया जाता है जहाँ उस पोस्ट ऑफिस का बैंक अकाउंट होता है। दोस्तों, बैंक अकाउंट में जमा कराने के बाद वो हमें सैप में भी उसको सेटल करना पड़ता है। तो सैप में आप किस प्रकार सेटल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों कमांड है हमारी F-28 एंटर करेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डेट डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम बैंक अकाउंट नंबर यानी कि ये कोड डालते हैं जो कि हमारा रेमिटेड कोड होता है, अमाउंट टू रेमिटेड। आप यहाँ अमाउंट डाल देंगे जितना आपका बीएनपीएल कस्टमर का अमाउंट है, जितना उसका बिल है। उसके बाद आप प्रॉफिट सेंटर डाल देंगे। प्रॉफिट सेंटर डालने के बाद दोस्तों बीएनपीएल कस्टमर का यहाँ आप अकाउंट नंबर डालेंगे। और दोस्तों ये एडिशनल सिलेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के आपको कॉलम दिए गए। इसमें आप अमाउंट के माध्यम से अगर जमा करना अमाउंट, डॉक्यूमेंट नंबर के माध्यम से जमा करना है डॉक्यूमेंट नंबर, प्रॉफिट सेंटर के माध्यम से जमा करना है तो प्रॉफिट सेंटर। अगर आप एक ही बीएनपीएल कस्टमर एक से ज्यादा पोस्ट ऑफिसों में जमा कर रहा है तो आपको प्रॉफिट सेंटर के माध्यम से जमा करना है। तो आपको आपको सिलेक्ट होना होगा प्रॉफिट सेंटर। आपको पोस्टिंग डेट के हिसाब से करना है तो आप पोस्टिंग डेट सिलेक्ट करेंगे। तो पोस्टिंग डेट सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसेस ओपन आइटम्स, प्रोसेस ओपन आइटम करने के बाद दोस्तों यहाँ देखा आ रहा है पोस्टिंग डेट फ्रॉम टू। तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे पोस्टिंग डेट, जहां से जब से आपका बैलेंस है आप उसको यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम जुलाई सिलेक्ट कर ले, जुलाई से यहाँ का बैलेंस यहाँ का अभी तक जमा नहीं है क्योंकि यहाँ मैं नहीं पता था किस तरह जमा होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, हम पिछले महीने तक का अगस्त तक का सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों प्रोसेस ओपन आइटम करने के बाद दोस्तों ये अमाउंट इस सारा खुलकर आ गया है। डॉक्यूमेंट नंबर जैसे मैंने बताया था पहले, बट अगर आपको डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से जमा करना है तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट नंबर फिल करने थे, ठीक है। उसके बाद आप ये आ गया आपका पीओ पोस्टिंग, उसके बाद पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, प्रोफिट सेंटर, INR अमाउंट। तो आपका हमने पोस्टिंग डेट के हिसाब से तो ये पोस्टिंग 4/8/21 से आप अब तक का दिखा दिया है। ये पिछले माह तक 5/8/2022 तक। तो हमारे दोस्तों 35 यहाँ अमाउंट एंडर 35,906 है, असाइंड हमारा 35,913.30 रुपये। तो दोस्तों डिफरेंस पोस्टिंग नोट असाइंड 7.30 रुपये है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हमें चार्ज ऑफ डिफरेंस पर क्लिक करना होगा। चार्ज ऑफ डिफरेंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पोस्ट की डालनी होगी 40 और एंट्री डेट यहाँ अकाउंट में डालेंगे आप। माइनस में है जो अमाउंट चार्ज ऑफ अमाउंट है वो माइनस में, तो मैं 40 डाले थे, और प्लस में होता तो हम यहाँ 50 डालते हैं। 50 डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ जेल कोड डाल दें 4200-3001 पोस्ट डालने के बाद दोस्तों हम जेल कोड डाल देंगे। उसके बाद एंटर करने में दोस्तों हम अमाउंट फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर करने के बाद दोस्तों इसको सिमुलेट कर लेंगे। सिमुलेट करने के बाद दोस्तों ये देखिए 35,913.30 रुपये 913.30 रुपये। तो ये हमारा जीरो हो गया। जीरो होने के बाद दोस्तों हम इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद दोस्तों हमारा अमाउंट है जो हिसाब में आ जाएगा, जितना भी हमने कार्य किया है जो अब तक उसकी बुकिंग हुई है वो हमारे सैप में हिसाब में आ जाएगी। चेक कर लेते हैं दोस्तों हम इसको।
मैं प्रॉफिट सेंटर डेट एंड एग्जीक्यूट ये देखिए दोस्तों, जब तो अब तक की जो स्पीड पोस्ट 30,175 रुपए की स्पीड पोस्ट हुई है उस पर स्पीड पोस्ट पार्सल 260 रुपए का, सीजीएसटी इतने ही है और ये एसजीएसटी लगी है और ये रेमिट रेट 35,904 रुपए हमारा रेमिट टू बैंक हो गया और बिलर क्लियरिंग अकाउंट में आपका 37.30 रुपए पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर सब्सक्राइब करना मत भूल तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।